हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आपने मेरे को बहुत से कमेंट्स किए और कमेंट्स में बोला सर कुछ कुछ क्वेश्चंस थे आपके क्वेश्चन। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने बोला कि सर डिफरेंस बिटवीन ETABS एंड SAFE सॉफ्टवेयर। और कुछ लोगों ने बोला सर ETABS डिफरेंस बिटवीन स्टैट ETABS एंड SAFE सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों मैं आपको आज के वीडियो में बस इसी को क्लियर कराने की सोच रहा हूँ कि मैं आपको बता दूं कि डिफरेंस क्या है इनके बीच में। बहुत से लोग कर परेशान रहते हैं, इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं और वहाँ पे सोचते हैं कि मैं कौन सा कोर्स ज्वाइन करूं। तो आज मैं उनको क्लियर कर देना चाहता हूं कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस चीज़ के लिए अच्छे होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टैड की। देखिए स्टैड का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड डिज़ाइन प्रोग्राम। स्टैड सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर, बेंटली कंपनी के द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है। और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग आरसीसी और स्टील स्ट्रक्चर की अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें मतलब फ्रेम स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे ही केवल काम करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है ETABS। ETABS का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड थ्री डायमेंशनल एनालिसिस बिल्डिंग सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में हम लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है, हाई राइज बिल्डिंग्स होती है, उन हाई राइज बिल्डिंग्स को हम लोग अच्छे तरीके से एनालिसिस और डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो लोगों ने बोला कि सर इसमें हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए कर सकते हैं, तब तो हमको ETABS भी करना चाहिए। नहीं यार, अगर ETABS कर रहे हो तो आपको SAFE करना पड़ेगा। SAFE क्यों करना पड़ेगा? फाउंडेशन डिज़ाइन के लिए। फाउंडेशन डिज़ाइन के लिए स्पेशली CSI कंपनी है, CSI कंपनी का सॉफ्टवेयर है दोनों ETABS और SAFE। तो CSI कंपनी ने स्पेशली फाउंडेशन और लाइक हाई रेज बिल्डिंग्स के अलग अलग सॉफ्टवेयर बना दिए हैं। तो SAFE सॉफ्टवेयर से हम लोग फाउंडेशन की डिज़ाइन करते हैं, ETABS से हम लोग हाई रेज बिल्डिंग की डिज़ाइन करते हैं। बट हाँ, अगर आप स्टैड सीखते हैं तो स्टैड में दो फायदा है, स्टैड के साथ स्टैड फाउंडेशन साथ में मिक्स होता है। तो स्टैड सॉफ्टवेयर में आप स्टैड फाउंडेशन भी पढ़ रहे हो, मतलब फाउंडेशन की भी डिज़ाइन कर रहे हो और बिल्डिंग की भी डिज़ाइन कर रहे हो। और स्टील स्ट्रक्चर के लिए तो बहुत ही अच्छा स्टैड है। तो अगर आप मेरे से प्रीफ्रेंस पूछते हैं तो मैं प्रीफ्रेंस तो अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको एक ही कोर्स सीखना है तो अच्छा है कि आप STAAD.PRO सीखें। अगर आपको आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स और फाउंडेशन डिजाइन के लिए अलग दो सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं तो कोई डाउट नहीं कि ETABS और SAFE अच्छा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, हम लोग उसमें देखते हैं कि ETABS हमारे लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि काफ़ी कंपनियां हमको ETABS यूज़ करती हैं और ETABS के साथ SAFE यूज़ करती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हमारा बजट नहीं है क्योंकि बाहर आप जाते हैं सीखते हैं कोर्सेज को तो बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। तो हाँ, मैं एक चीज़ आपको और बताने देना चाहता हूँ कि मेरा बहुत ही जल्दी STAAD और ETABS का वीडियो आने वाला है udemy.com पे। तो अगर आपको लगता है कि मुझे लाइक 500 और 1000 के अंदर में सारे कोर्स सीख लेने हैं तो ओनली 500, मतलब मैं उनमें कोई इनकम के लिए मैंने नहीं बनाया, जस्ट मेरी हॉबी है टीचिंग, इसलिए मैंने एक पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है STAAD.PRO का, जिसमें 500 में मैं आपको पूरा का पूरा ETABS का STAAD का सॉफ्टवेयर दे दूंगा। साथ ही साथ उसमें फुल वीडियोस रहेंगे, सारे लेक्चर्स रहेंगे, udemy.com पे आपको देख सकते हैं। डेमो लेक्चर्स हमारे स्टैट ऑलरेडी आपके यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, सो आप लोग उनको वॉच कर सकते हैं। और जो भी और दूसरे क्वेश्चंस हों आपके लाइक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, डेफिनेटली आप नीचे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज़ के आंसर आपको देता रहूँगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा जिसमें आपको पता चला होगा कि स्टैट किस लिए यूज़ होता है, ETABS किस लिए यूज़ होता है, SAFE किस लिए, SAFE फाउंडेशन डिज़ाइन ऑलवेज रिमेंबर, ETABS एक्सटेंडेड थ्री डायमेंशनल एनालिसिस बिल्डिंग सिस्टम हाई राइज बिल्डिंग के लिए किसके लिए होता है, हाई राइज बिल्डिंग के लिए सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है। और अगर मैं बात करूँ तो इसमें ना एक क्या बोलते हैं डिटेलिंग का जो पार्ट है ETABS का बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं डिटेलिंग के लिए बहुत प्रीफर करता हूँ कि ETABS हो। और STAAD का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन प्रोग्राम, जो कि बिल्डिंग और स्टील और आरसीसी दोनों एनालिसिस के लिए बहुत ही अच्छा है। पर हाँ, लाइक उसमें कुछ चीज़ों में टाइम टेकन है। और इसमें फाउंडेशन डिजाइन कर सकते हैं हम लोग, चार टाइप के मतलब 4 टाइप्स के हम लोग फाउंडेशन के डिजाइन कर सकते हैं, आइसोलेटेड कर सकते हैं, पाइल कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं और मैट फाउंडेशन के डिजाइन भी कर सकते हैं STAAD.PRO में। इसलिए STAAD.PRO काफ़ी अच्छा है। अगर आपको ये सारे सॉफ्टवेयर अगर आपको लगता है कि आपको सीखने हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर नीचे कमेंट करिए और यूट्यूब पर हमारे डेमो देखिए। अदरवाइज udemy.com पे 500 में आप रजिस्ट्रेशन करा के फुल पैकेज ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइस।